Xiaomi ने अभी रिसेंटली एम आई 11 को लॉन्च किया है और इसी के साथ Xiaomi स्नैपड्रैगन 888 फ्लैगशिप डिवाइस को लॉन्च करने वाला पहला ब्रांड बन गया है। और स्नैपड्रैगन 888 जैसा पावरफुल एसओसी होने के साथ साथ एम आई 11 एक बढ़िया फ्लैगशिप किलर भी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस टैग के साथ में आ रहा है। इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन आपको 45,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा मे बी। वैसे एम आई 11 के अलावा दो और नए फ्लैगशिप देखने को मिले थे आपको 2020 के आखिरी में जो कि थे Vivo X60 Pro एंड Oppo Reno 5 Pro Plus। इन तीनों एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन को हम लोग इस वीडियो में कंपेयर करने वाले और आपको बताएंगे कि तीनों स्मार्टफोन में से बेहतर स्मार्टफोन कौन सा निकल के सामने आता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सपेरियंस, चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन और वेट की बात करते हैं दोस्तों। आपको एम आई 11 196 ग्राम का मिलता है, 8.1 mm की थिकनेस मिल जाती है, ग्लास का फ्रंट मिलता है, ग्लास का बैक मिल जाता है और एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है। Reno 5 Pro की अगर मैं बात करूं तो आपको 184 ग्राम का वेट मिलता है, 8 mm की थिकनेस मिलती है, ग्लास का फ्रंट है, ग्लास का बैक है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है। Vivo X60 Pro की अगर मैं बात करूं तो आपको 178 ग्राम का वेट मिलता है, 7.6 mm की थिकनेस मिल जाती है, ग्लास का फ्रंट है, ग्लास का बैक है और एल्यूमिनियम का फ्रेम यहाँ पे भी आपको मिलता है। डिज़ाइन में MI 11 काफ़ी ओरिजिनल एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ में आता है। यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल में राउंडेड कॉर्नर्स मिल जाते हैं और स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी काफ़ी बढ़िया सा मिलता है। कुल मिला के अट्रैक्टिव सा डिवाइस है, लेकिन Oppo Reno 5 Pro Plus का डिज़ाइन इससे भी बढ़िया सा मिल जाता है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, इलेक्ट्रोक्रोमिक बॉडी। इसका मतलब जैसे ही आप बैक पैनल पे डबल टैप करते हो दोस्तों, वहाँ पे बैक पैनल का कलर चेंज होता है और ये जो फीचर है काफ़ी यूनिक सा फीचर है और अमेजिंग भी लगता है, रेयर भी है। दूसरी तरफ Vivo X60 Pro में भी काफ़ी बड़े सा डिज़ाइन मिलता है और प्रीमियम मटेरियल यूज़ किए गए, लेकिन पर्सनली मेरे को Oppo Reno 5 Pro Plus पसंद आया और आई होप आप भी मेरी बात से एग्री करते हो। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, MI 11 में 6.81 इंचेस वाली QHD प्लस AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, Reno 5 Pro Plus के अंदर 6.55 इंचेस वाली फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है और Vivo X60 Pro के अंदर 6.56 इंचेस वाली एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। इन तीनों में MI 11 अपनी मोस्ट एडवांस डिस्प्ले के साथ में आता है, जहाँ पे Xiaomi ने पहली बार QHD प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट प्रोवाइड किया। साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 480 निट्स का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, आपको यहाँ पे 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। इसके डिस्प्ले को A+ ग्रेड मिला हुआ है डिस्प्ले मेट की तरफ से और वन ऑफ द बेस्ट पैनल में से एक मानी जाती है। वैसे Oppo Reno 5 Pro Plus के अंदर भी आपको AMOLED पैनल मिलती है 90 हर्ट्ज वाली और Vivo X60 Pro के अंदर भी AMOLED पैनल का सपोर्ट मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको तीनों ही डिवाइस में प्रोवाइड किया गया है। हार्डवेयर की बात करो दोस्तों, MI 11 के अंदर स्नैपड्रैगन 888 मिलता है जो कि 2.84 GHz की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देता है। Oppo Reno 5 Pro Plus की अगर मैं बात करूँ तो आपको स्नैपड्रैगन 865 मिलता है जो कि 2.84 GHz की ही फ्रीक्वेंसी देता है। Vivo X60 Pro की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलता है Exynos 1080 जो कि आपको 2.8 GHz की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। इफ़ यू वॉन्ट मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन यू मस्ट गो फॉर MI 11 बिकॉज दोस्तों यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है और स्नैपड्रैगन 888 के तो कहने ही क्या है। साथ में आपको 12 GB रैम एंड 256 GB IPS 3.1 का नेटिव स्टोरेज मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं Vivo X60 Pro की तो इसे भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी काफ़ी बढ़िया सा फ्लैगशिप डिवाइस है क्योंकि यहाँ पे भी आपको Exynos 1080 मिल रहा है विच इज़ मेड एट 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस। वैसे ये भी आपको सेम मेमोरी कॉन्फिगुरेशन के साथ में देखने को मिलता है। Oppo Reno 5 Plus की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको पुराना शेयर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 865 बट इट इज़ स्टिल फ्लैगशिप क्लास SoC। कैमरा की बात करो दोस्तों, MI 11 के अंदर आपको 108 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और 20 MP की सेल्फी मिल जाती है। Reno 5 Pro Plus की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 50 MP का और 32 MP की सेल्फी मिल जाती है। Vivo X60 Pro के अंदर 48 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और 32 MP की सेल्फी मिल जाती है। अगर आपको एक एडवांस्ड कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो उसके लिए MI 11 आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसके दो रीज़न है, सबसे पहला तो टेलीफोटो सेंसर नहीं है, पेरिस्कोप सेंसर भी नहीं है, ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट आपको इसके साथ में मिलेगा ही नहीं। ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट आपको मिलेगा Oppo Reno 5 Pro Plus एंड Vivo X60 Pro के साथ। यहाँ पे Vivo X60 Pro बेहतर जूम कैपेबिलिटीज कॉल जेस लेंस के साथ में आ रहा है, जबकि अगर बात करते हैं Oppo Reno 5 Pro Plus की तो यहाँ पे आपको मेन कैमरा काफ़ी बढ़िया सा मिल जाता है थैंक्स टू 50 MP सोनी IMX766 सेंसर। लेकिन ओवरऑल में बात करूँ तो Vivo X60 Pro स्लाइंटली यहाँ पे बेटर कैमरा स्मार्टफोन लग रहा है। बैटरी की बात करो दोस्तों, MI 11 के अंदर 4600 mAh वाली बैटरी मिलती है, साथ में 55 वाट की फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट आपको अभी मिल रहा है। Reno 5 Pro Plus की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4500 mAh वाली बैटरी मिलती है, 65 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, साथ ही रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। Vivo X60 Pro के अंदर 4200 mAh वाली बैटरी मिलती है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है।
एम आई 11 के साथ में आपको एक अच्छी खासी बैटरी लाइफ का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक सिनेरियो में ये आपका साथ देगी, मतलब लॉन्ग बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगी, क्योंकि एक तो हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी है और साथ में एक हायर रिजोल्यूशन का भी सपोर्ट है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ काफ़ी कम मिल सकती है किसी किसी कंडीशन में। वैसे ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस की बैटरी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन स्नैपड्रैगन 865 है तो थोड़ा सा एफिशिएंसी की प्रॉब्लम आपको इसके साथ में मिल सकती है। और लेकिन एम आई 11 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको उसका एक फ़ायदा ये भी मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है, रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस में फास्ट चार्जिंग बेहतर मिल रही है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं फाइनली दोस्तों, ओप्पो रेनो 5 प्रो आपको एक बेहतरीन डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, साथ में कैमरास का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है। Vivo X60 Pro की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एडवांस्ड कैमरा मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको 5nm चिपसेट का पावर प्रोवाइड किया जा रहा है। एम आई 11 अपनी एक बेहतरीन डिस्प्ले और हार्डवेयर के लिए जाना जाता है, तो विच वन वुड यू गो फॉर? आई थिंक Vivo X60 Pro अपनी बेहतरीन कैमरास और 5nm चिपसेट होने की वजह से पहले नंबर पे रहने वाले, और MI 11 को आप लोग चूज़ कर सकते हो बेहतर हार्डवेयर एंड डिस्प्ले के लिए। आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, आपको क्या लगता है MI 11 सही रहेगा या फिर Vivo X60 Pro सही रहेगा आपके हिसाब से? तो वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलने वाली है। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।